सी एस एस और आज की सी एस की वीडियो में हम जानने वाले हैं CSS के अंदर एस वेब डिजाइन के अंदर ग्रिड व्यू असल में होते क्या है जैसे कि आपको पता है वेब डिजाइन के अंदर ग्रिड व्यू के बारे में जान रहे हैं तो और हमारी एक सीरीज चल रही है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के ऊपर तो आज की वीडियो में ग्रिड व्यू बताऊंगा ये हमारी एक सीरीज चल रही है कि हम लोग अपनी जो वेबसाइट है उनको रिस्पॉन्स में कैसे ला सकते हैं हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्यू पोर्ट असल में होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी और वो ज़रूर देखेंगे ये पूरा कोर्स चल रहा है अभी रिस्पॉन्सिव का सी एस एस के अंदर तो विदाउट वेस्टिंग और एनी टाइम लेस मूव कंप्यूटर स्क्रीन और इस वीडियो प्रीण को प्लीज़ लाइक कर देगा दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल भी कर देंगे ताकि मेरी जो फंड एंड डेवलपमेंट की जो वीडियोस है वो आप बेस्टी कर पाओगे सो विदाउट वेट टेकिंग एनी टाइम सो लेस मूव कंप्यूटर स्क्रीन और जानते हैं CSS के uh, CSS के responsive web design के अंदर 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 असल में होते ही हैं सी एस एस वीडियो आज की वीडियो में आपको रिस्पॉन्सिव एप डिजाइन के अंदर हम जानने वाले हैं कि ग्रिड व्यू असल में होते हैं। जिनको नहीं पता कि ग्रिड व्यू असल में होते हैं तो आज की वीडियो में उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा इसके बारे में तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किया चले जानते हैं रिस्पॉन्सिव के अंदर ग्रिड व्यू असल में होते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्या है ग्रिड ग्रिड व्यू बहुत से वेब पेजेस होते हैं व्यू के ऊपर इसका मतलब है कि जो हमारा पेज है वो डिवाइडेड होता है कॉलम्स के अंदर यूजिंग ग्रिड एक बहुत यूजफुल हेल्पफुल वेब डिजाइनिंग वेब पेजेस है जो मेक करता है ईजी है प्लेस करने के लिए एलिमेंट्स वो भी पेज के ऊपर रिस्पॉन्सि ग्रिड व्यू ऑफ टेन के पास बारह कॉलम्स होते हैं मीन्स डेट ट्वेल्व कॉलम्स और टोटल वर्थ होती है हंड्रेड परसेंट और ये श्रिंक करता है और एक्सपेंड करता है आपके रिसाइज को द ब्राउजर विंडो में ये एक एग्जाम्पल है रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू की ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप खोल भी सकते हो तो देखें ये एक रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू की एग्जाम्पल है बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू चलिए स्टार्ट कर दो बिल्डिंग करते हैं रिस्पॉन्सिव व्यू को पहले आपने इंश्योर करना है जो आपके और सारे एस डी एम एल एलिमेंट है उसकी बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी सेट हो टू बॉर्डर बॉक्स ये मेक श्योर sure करते हैं कि जो हमारी पैडिंग बॉर्डर इंक्लूडेड है इन द टोटल वर्थ में और हाइट वो भी ऑफ एलिमेंट्स में जो फॉलोइंग कोड है विंड और सी एस एस में आपको कुछ इस तरीके के कोड लिखने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ये हम लिख लेते हैं उसके लिए सबसे पहले हम एक नई विंडो बनाते हैं नई विंडो बनाते हैं इस नई विंडो में हम एक अपनी नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा इंडेक्स डॉ एस टी एम एल और हम आज सी एस एस की भी फाइल बनाएंगे क्योंकि हम लोग सी एस एस की कोड स्टार्ट कर कोड स्टार्ट कर दो सी एस एस की फाइलिंग नहीं बनाते हैं तो वो भी बना देंगे इस टाइल सी एल यह याद रखेंगे जहाँ पर आपने अपनी एस टी एम एल की फाइल बनाई है वहीं पर आप अपनी सी एस एस की फाइल बनाएंगा यहाँ पर सबसे पहले एस टी एम एल लिखते हैं एस टी एम एल लिखने के बाद जहाँ पर कुछ इस तरीके का आ गया अगर आपको कुछ इस तरीके का नहीं आ रहा अब थोड़े हम एडवांस पे आ गए हैं भाई इतना हमने पायदन सीखा है तो हम ऐसा ही ऐसे करेंगे अब हम लोग लिखेंगे नहीं देखिए आपने बस क्या करना है यहाँ पे ये फिर एच टी एम एल और फिर आपने कुछ तरीके से एंटर दबा देना है आपको कुछ तरीके का आपके पास आ जाएगा एच टी एम सैंपल के नाम से इसको आपने बस एंटर दबा देना है ये आ गया आपका पूरा अब इसमें आपने क्या करना है इसमें आपने जो लिंक है वो सबसे पहले यहाँ से हटा देना है यहाँ पे आपने लिंक लिखना है स्टाइल टाइल बी सॉरी लिंक बी सुलबी एचरफ बी स्टाइल सीट एचरफ बी स्टाइल डॉट सी एस एस और यहाँ पे आपने लिख देना है कि ये अपना मैं देख लेता हूँ यहाँ पे यहाँ पे हम लोग ने लिंक लिखना है इसमें हमने रेल बी स्टाइल सीट और फिर एच रफ में आपने स्टाइल और सी एस एस अब आपकी फाइल लिंक हो गई स्टाइल और सी एस एस की अब यहाँ पे आपने क्या करना है अब यहाँ पे आपने सी एस एस के अंदर यहाँ पे स्टार्ट डिफाइन करके आपने यहाँ पे लिखना है बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स अब बस अब सेव अब क्या करना है आपने रीड मोड अबाउट करो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में बॉक्स साइजिंग चैप्टर के बारे में आपको मैंने बॉक्स साइजिंग चैप्टर में आपको बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में बताया वह आप वहाँ पे जाके देख सकते हो फॉलोइ एग्जाम्पल सो करिए एक सिंपल एक सिंपल रिस्पॉन्सिव विद दो कॉलम्स के साथ यहाँ पे आपने कुछ तरीके का लिखना है इसको लिखने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है यहाँ पे लिख देना है अपने इसकी क्लास देख लेते हैं डॉट मेन्यू चुल बी देख लेते हैं गैस ट्वेंटी फाइव और लेफ्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट और फ्लोट चल बी लेफ्ट डॉट मेन यहाँ पे वर्थ दे देनी है सेवेंटी फाइव परसेंट और फ्लोट दे देना है लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट है डॉट मेन ओके सही है द एग्जाम्पल अब फाइन आपका जो तो वेब पेज है वो कंटेन करेगा दो कॉलम्स हाउ एवर अगर हमें चाहिए यूज करना ग्रिड व्यू को विद uh, कॉलम के साथ या फिर टू हैव मोर कंट्रोल ओवर द वेब पेज पहले हमें कैलकुलेट करना होगा परसेंटेज वो भी फॉर वन कॉलम के लिए हंड्रेड परसेंट डिवाइडेड बाय ट्वेल्व कॉलम्स इक्वल्स टू एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट अगर आपको दिखाऊं हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट को अगर हम सॉरी हंड्रेड परसेंट अगर डिवाइड बाय बाई ट सॉरी यहाँ पे हम लोग गलत, गलत कर ले कर रहे हैं हंड्रेड डिवाइडेड बाय आपने ट्वेल्व कर देना है तो आपको एट पॉइंट थ्री 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 दे रहा है और यहाँ पे भी हमारा एट पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट आ गया फिर हम मेक करेंगे एक क्लास वो भी ईच ऑफ द कॉलम्स की क्लास इक्वेस टू कॉल और ऐड करेंगे नंबर डिफाइनिंग करेंगे कैसी कैसे कै, हाउ मैनी कॉलम द सेक्शन शुड स्पेन तो इस तरीके से हमने लिखना है तो इस तरीके से आपको लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसको पेश करना है और आपने क्या करना है यहाँ पे आपने एंटर दबा देना है यहाँ पे भी एंटर दबा देना है यहाँ पे एंटर यहाँ पे एंटर यहाँ पे एंटर फिर यहाँ पे भी एंटर फिर यहाँ पे एंटर और फिर यहाँ पे एंटर फिर यहाँ अब आपने एस टी एम एल में आ जाना है सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले आपने यहाँ पे डॉट मेन्यू की क्लास डिफाइन करनी है डिफ क्लास मेन्यू इसके अंदर आपने लिख देना है इसके अंदर आपने लिख देना है कि रयान सही है या फिर आप इसके अंदर कुछ और भी लिख सकते हो फिर आपने यहाँ पे डेव लिखना है फिर एक और क्लास डिफाइन करनी है जो आप मेन के लिखोगे यहाँ पे लिखोगे वन मोर क्लास और यहाँ पे आपने एंटर दबा दे दौक। देना है अब यहाँ पे हमने डॉट कॉल वन डिफाइन करना है क्या डिफाइन करना है डॉट कॉल वन तो यहाँ पे उसको डिफाइन करने के लिए आपने डेव क्लास कॉल स्लैश वन और फिर यहां पे एंटर दबा देना यहां पे आपने लिख देना है यू एल एल आई इसके अंदर आपने सबसे पहले होम लिखना है कॉपी पेस्ट सॉरी होम अबाउट सर्विसेज बस और यहाँ पे आपने इसको इस वाले को पूरा कॉपी करना है पेस्ट करना है कॉल टू कर देना फिर से ही पर पे पेश करना कॉल थ्री कर देना और फिर पेश कर देना और कॉल फोर कर देना बस इतना हो गया सेव किया अब यहाँ पे आते हैं और डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं और यहाँ पे आके रन कर तो देखिए अभी आपको कुछ तरीके से आएगा और अगर आपको रिस्पॉसिस में दिखाऊँ तो देखिए रिस्पॉसिस में भी बिल्कुल सही तरीके से आ रहे देख है। सकते हैं अगर आप इसको नहीं करते रिस्पॉस में तो आपको बताता हूँ मैं ये किस तरीके से आएगा ये देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है अगर आप ये कोड नहीं लिखते हो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेव अब रन तो अब देखें ये देखें कुल इस तरीके से आ हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो सेव है। करते हैं यहाँ पे इतनी भी यहाँ से हम लोग ने वाली भी नहीं लिखी ये वाली भी लिख लेते हैं यहाँ पे इनको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट वापसी यहाँ पे इधर आ जाते हैं इधर ऑल डिफाइन इधर भी और फिर इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी एंटर और फिर यहाँ पे इधर भी आपने डिफाइन कर देना है इधर भी ऑल्ट इधर भी ऐसे हमने दबा दें एक शॉर्टकट किया है ये विजुअल स्टूडियो कोड की मतलब आप डायरेक्ट इसको एंटर दबा सकते हो एंटर ये हो गया सब तो अब जैसे ही हमारा हो गया तो अब हम यहाँ पे कॉल टेन तक कर देंगे इसको यहाँ पे कॉल टेन तक कर देते हैं कॉपी पेस्ट फाइव सिक्स सेवन एट और फिर नाइन और फिर टेन इस तरीके से आपने कर देना यहाँ पे आपकी बेतहाशा आ गई है अब जैसे आप ये कर लो तो अब मैं आपको बता दूँगा आपने करना ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्मॉल और रीसेट कर देना है अब देखें ऑल दिस कॉलम्स बी फ्लोटिंग कर रहे हैं लेफ्ट और आप पैडिंग है फिफ्टीन पिक्सल्स तो उसकी फ़िफ्टीन पिक्सल्स पैडिंग कर देते हैं यहाँ पे आओ यहाँ पे इसको पेश कर दो सही है इसकी जो तो पैडिंग हो आपने फिफ्टीन पिक्सल्स कर देनी है तो जैसे ही ये कर दो तो यहाँ पे आपको बता दूँ आपने करना है सेव कर लो और रन तो यहाँ पे इस तरीके से आपका आ गया तो यहाँ पे आ जाते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हमने दिया हुआ है सही है ईच शुड हेल्प मी इट इन अ डिव और जो आपका नंबर है कॉलम्स का अंदर रो के सो ऑलवेज अपल्फ आपने ऐड करना आप तो है अपेल्व सही कुछ तरीके से ये देख सकते हैं जो कॉलम्स हैं वो भी इन, साइड आ रो वो, वो फ्लोटिंग कर रहे हैं टू द लेफ्ट और दे आर आर फो टेकन आउट कर रहे हैं ऑफ़ द फ्लो ऑफ पेज और अदर एलिमेंट्स प्लेस कर रहे हैं एज अ कॉलम टू नॉट एक्सिट प्रिवेंट वी वे स्टाइल डेट क्लियर करेगा हमारे फ्लो को तो उसके लिए आपने क्या करना है इंडेक्स जो डाइटीम एल के पेज पर चले जाना है यहाँ पे लिख देना है डिफ डिफ क्लास रो और फिर यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लेना है और फिर एंड एरेज कर देना है इसको और फिर नीचे आ जाना है और फिर यहाँ पे पेश कर देना है सेव कर लेना है और रन तो बस इस तरीके से आपने कर देना है और बस अब जो आपके ये वाले कोड है इसमें हमने कॉन्टेंट डबल कॉमास के अंदर दिया हुआ है क्लियर बोर्ड डिस्प्ले टेबल दी हुई है इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट सेफ रन तो इस तरीके से आपका हो जाएगा और रिस्पॉन्स में दिखाऊँ तो ये देखें ये इस तरीके से आ रहा है आपको रिस्पॉन्स में अगर आप पिक्सल सेवन करते हो अगर आप इसको नेक्स्ट हब में करते हो अगर आप इसको आई पेड मिनी में करते हो तो सब में ये बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है अब इधर आ जाते हैं वापसी वी ऑल्सो वॉन्ट हमें हमें ऑल्सो वॉन्ट स्टाइल्स ऑफ कलर्स मेक इट करने के लिए इसको ज़्यादा बेटर तो उसके लिए आपने एच के अंदर फोन फैमिली लूसिड या सेंस सेंसरफ दे देनी है हेडर के अंदर आपने बैकग्राउंड कलर दे देना है कुछ उस तरीके से आप इसके लिए आपने क्या करना है इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेज इसके अंदर लेकिन हमने हेडर अभी डिफाइन नहीं किया तो हेडर को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं अब देख कुछ तरीके से हमारा आ रहा है फॉन्ट फैमिली भी तो यहाँ पे जैसे ही आपको ये आना शुरू हो जाए आपने बैकग्राउंड कलर हमने इस तरीके से दे देना लेकिन अभी हमने हेडर डिफाइन नहीं किया तो हेडर हम डिफ़ाइन कर देते हैं हेडर डिफाइन कर देते हैं हेडर में हम ये वाले जो एंड टाइगर्स का ये कॉपी कर लेते हैं इरेज करते हैं इसको एंड पे आके सबसे ज़्यादा एंड पे आके पेश करते हैं अब सेव करते हैं रन तो ये अभी हो नहीं रहा वाई देख लेते हैं यहाँ पे नीचे आ जाते हैं बैकग्राउंड कलर रहा एल आई मेन्यू तो हमने कहीं पर लिया ही नहीं मेन्यू एल आई ऊपर चले जाते हैं यहाँ पे आते हैं मेन्यू के अंदर हम लोग यहाँ पे एल आई डिफाइन करते हैं एल आई के अंदर हम लिख देते हैं होम सेव रन ओके मेन्यू एल होम कॉपी पेस्ट 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 सेव करने रन करने कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब जैसे इस तरीके से आ जाए अपने स्टाइल डॉस के अंदर वापसी आ जाना है और फिर यहाँ पे मेन्यू एल आए हवर दे देना है कुछ तरीके से अब जब इसको हवर करोगे तो देखिए हवर हो रहा है ये देख सकते हैं और इधर आ जाते हैं ऊपर ऊपर मेन्यू यूएल ओके यहाँ पे हमने यूएल भी डिफाइन कर देना है और जो यू एल है इसका यू एल का जो एंटैग है इसको कॉपी करके इरेज करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है अब सेव और रन तो अब ये देखें कुछ तरीके से आ गए अब देखें जैसे ही आपका ये हो जाए अब हम लोग बस इतना कर लेना है अब बस हमारा हो गया तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं वापसी नोट no डैट जो हमारा वेब पेज वेब पेज है वो एक्जाम्पल डस नॉट लुक गुड अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है जब आप रिसाइज रिसाइज करोगे अपने ब्राउजर विंडो को वो भी बहुत स्मॉल ब्रथ में इन द नेक्स्ट चैप्टर आप लर्न मोर अबाउट करोगे कैसे फिक्स करते हैं उसको तो हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और अगर आपको एफ ट्वेल्व करके दिखाऊँ तो देखें कुछ तरीके का लग रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिक्स करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ और ये कोड आपने हटाने नहीं है इसको ऐसे ही रहने देंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से यहीं से कंटिन्यू करेंगे सही है तो आज की वीडियो में वेब डिजाइन में हमने ग्रिड व्यू के बारे में जाना ग्रिड व्यू भी हमने दिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और प्लीज़ लाइक करें दोस्तों वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर भूलेंगे ताकि मुझे आने वाली वीडियो से उनको आप मिस नहीं कर पाओगे तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तो आज के लिए इतना ही गुड बाय